माय चैनल मैं मृणालिनी सिंह आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप इजीली वेट लॉस कैसे कर सकते हो। एक्चुअली मैं आपको वेट लॉस करने के बारे में बहुत टिप्स दे चुकी हूँ, बट जो भी टिप्स न्यू होती है या जो भी मुझे पता चलती है मैं आपको देती रहूँगी, क्योंकि मुझे पता है ये बहुत ही मेजर प्रॉब्लम होती है। अगर आपका वेट गेन हो जाता है, पुट ऑन हो जाता है, तो इससे कम करना बहुत आसान काम ही होता है, ये बहुत बड़ा टास्क होता है वेट को लूज़ करना। बढ़ने में वैसे इतना वक्त नहीं लगता है, पर लूज़ करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके वेट लूज़ हो पाता है। इसलिए मैं आज आपको बताने वाली, एक्चुअली गर्मी आते ही लोग चाय थोड़ा कम कर देते हैं, लेकिन मैं आज आपको ऐसी एक चाय के बारे में बताने वाली हूँ, ऐसे एक ड्रिंक के बारे में बताने वाली हूँ, जिससे अगर आप डेली पियोगे आपका वेट लूज़ ईजिली हो जाएगा और गर्मी में आपके लिए फ़ायदेमंद भी रहेगा और आपको अच्छा भी लगेगा पीने में। तो मैं आज बात करूंगी स्पेशल नींबू की चाय। आपको क्या करना है नींबू की चाय बनाने के लिए, पानी लेना है एक ग्लास, मान लीजिए एक लोग के लिए बना रहे हैं। फिर इसमें आपको अदरक डालना है, थोड़ी सी चाय की पत्ती डालना है, आप एक लौंग, एक काले मिर्च और एक इलायची को कूट के डाल दीजिए और इसे बॉयल होने दीजिए। थोड़ी सी दालचीनी भी डाल सकते हो आप, दालचीनी वेट लूज़ के लिए काफ़ी हेल्पफुल होता है। आप दालचीनी भी डाल दीजिए और इसे बॉयल होने दीजिए। जब ये 5-10 मिनट तक उबल जाएगी, पक जाएगी, फिर आप गैस को बंद कर दीजिए। इसमें थोड़ा सा शहद और नींबू ऐड कर दीजिए, फिर आप इसे छान के पी लीजिए। शहद और नींबू का कॉम्बिनेशन वैसे भी वेट लूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि बहुत लोग, मैंने पहले बता चुकी हूँ मैं कि बहुत लोग नींबू पानी का पीते हैं सुबह खाली पेट, उसमें इसके लिए आपको पानी में नींबू और शहद डाल के पीने से आपका वेट लूज़ होता है बहुत ईजीली। तो ये जो स्पेशल ड्रिंक है, आप इसे चाय कहिए, ड्रिंक कहिए, जो भी, ये वेट लूज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो इसे आपको सुबह सुबह खाली पेट पीना चाहिए। अगर आपका वेट ज़्यादा बढ़ गया है, आपको ज़्यादा लूज़ करना है, तो आप इसे दिन में 2-3 बार भी पी सकते हो, तो आपके लिए बहुत हेल्दी होगा। उसके अलावा नींबू में सिट्रिक एसिड पाया जाता है, इसलिए हमारे स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे डाइजेशन को अच्छा रखता है, और इसमें फ्लेवोनॉइड्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये हमारे धमनियों में ब्लड क्लॉटिंग नहीं होने देता है, जिसकी वजह से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता है। स्किन के लिए अच्छा होता है, हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करता है, क्योंकि नींबू में विटामिन सी पाया जाता है। ये हमारे बालों के लिए अच्छा होता है, हमारे बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारे लिए, तो इसलिए आपको ज़रूर अपने डाइट में शामिल करना चाहिए। और शिकंजी के बारे में बताई चुकी हूँ, पता है, जब भी आप शिकंजी बनाना, तो उसको मीठा कम रखना, क्योंकि आप सभी को पता है कि मीठे से वेट लूज़ नहीं होता है, वेट पुट ऑन होता है। मीठा हार्मफुल होता है, ये मोटापा को बढ़ाता है। इसलिए नींबू को खूब यूज़ करिए, खूब खाइए। आजकल तो इम्यूनिटी सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी हो गया है, इसलिए आप इसे अपनी डाइट में यूज़ करिए। और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। थैंक यू।